ये सीट है, ये भी फोल्ड सीट हो जाएगी आपकी। अच्छा, अच्छा। इसको फोल्ड कर, आपको जितनी जगह चाहिए आप इसको कहीं चाहें तो आप इसको, अच्छा ये आगे है, ये देखो आप आगे ऐसे आगे कर सकते हो सीट। आप इसको किस कहीं भी कीचड़ में फंस जाए गाड़ी, कहीं भी हिल पे, यानी 15 से 20 डिग्री हिल पे भी आराम से गाड़ी। कितने एज के बंदे चला सकते हैं इसे? आप कोई भी चला, बच्चे से लेकर बड़े तक कोई चला सकते। आज आपके लिए ना साइज के हिसाब से मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थ्री व्हील की बात करें, चाहे आप टू व्हील की बात करें, चाहे फोल्डेबल की बात करें, साइज के हिसाब से अरेंज करके रखी हुई है। और आपको बता दूं मैं फिर से आज आपको लेके आया हूँ वासु इंटरनेशनल के पास काफ़ी दिनों बाद। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन चैनल देसी व्लॉग्स। मैं सुधीर आपको आज फिर से स्पेशल गाड़ियाँ दिखाऊंगा, फोल्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। खास बात आपको बताने के लिए हर बार की तरह यहाँ पे वासु इंटरनेशनल के ऑनर हमारे साथ है, हांडा जी को बुलाना चाहूँगा। काफ़ी दिन बाद वीडियो शूट आ रहा है, लेकिन भाई अरेंज किया है आपके लिए स्पेशल गाड़ियाँ। तो कैसे हैं सर आप? नमस्कार जी। सब नमस्कार। तो इतना गैप कैसे, आप कहाँ घूम के आए पहले ये बताओ। हमने अपना फेयर लगा था बांग्लादेश में। अच्छा। बांग्लादेश में ऑर्डर मिले हैं नेपाल में। अच्छा। नेपाल में फेयर लगाया काठमांडू में, वहाँ भी हमें ऑर्डर मिले। तो हम थोड़ा इसमें R&D में लगे थे, मॉडल हमारे आए थे, लेकिन तब निकालते हैं मार्केट में इसको पूरा चेक करने के बाद, जिसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी है। तो आप लोगों के, आप लोगों के प्यार से नेपाल भी घूम आए, बांग्लादेश भी चले गए, वहाँ पे एक्सपो में अपना जो व्हीकल है वहाँ इन्होंने शो दिखाया था, अपने काफी पसंद किया होगा लोगों ने, ऑर्डर मिले हमारे को। अच्छा, ऑर्डर भी मिले, ऑर्डर मिले और नेपाल में हमारे को ऑर्डर मिले हमारे। और आज क्या स्पेशल आप लेके आए हैं? खास देख रहा हूँ यहाँ पे थ्री व्हील की बात करें या टू व्हील की बात करें। रीजन क्या है, कई लोग जैसे थोड़े बुजुर्ग हो या लेडीज गाड़ी चलाने में असमर्थ हो, टू व्हील बैलेंस में दिक्कत होती है। अच्छा। तो उसके लिए रेंज पूरी फुल रेंज लेके आए थ्री व्हील की। ऐसे व्हील है बढ़िया, बड़ा से बड़ा है, किसी को हर एक की अपनी चॉइस है। तो सबकी चॉइस के हिसाब से ही हम गाड़ियाँ लेकर आए हैं। हम गाड़ियाँ जैसे ये है, एक सिंपल गाड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल आप फ्रंट से बिल्कुल जैसे फ्रंट से, मैं भी यही सोच रहा था कि ये सिंपल स्कूटर ही है, सिंपल। लेकिन देखो पीछे थ्री व्हील में है, थ्री व्हील में है ये, बिल्कुल बिल्कुल थ्री व्हील लगे हैं इसमें। और इसकी कैपेसिटी वो 150-200 किलो कैपेसिटी है इसकी वेट की। ओके। और स्टार्टिंग प्राइस अच्छे लाएँ, जैसे गाड़ी थोड़ी मजबूत है, इस गाड़ी से गाड़ी मजबूत है और सीट इसकी आगे पीछे आपकी हो जाती है सीट इसकी, ये खासियत है इसमें। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये भी थ्री व्हील में है, इसके सीटें एडजस्ट हो जाती है, बिल्कुल डिस्प्ले आपको यहाँ फ्रंट में मिल जाती है और फ्रंट में यहाँ पे कुछ कैरी करने के लिए सामान रखने के लिए फुट रेस्ट का ऑप्शन भी है इसकी। वैसे आपको आपको एक चीज बता दूं, इस वीडियो में आपको ना प्रॉपर जो है अभी फिलहाल ओवरऑल डिटेल्स बताएंगे, मोटा मोटा डिटेल्स बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंगल वाइज सिंगल जो है आपको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे, चला के भी दिखाएंगे, फोल्ड करके दिखाएंगे। और स्पेशल एक हमारे पास साइकिल भी आई है, उसके बारे में भी आपको रिव्यू देंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स आपने देखे नहीं होंगे। तो वैसे इसके अगर प्राइस की बात करें और डिटेल्स की बात करें तो क्या है इसका? देखिए इसमें ना बैटरी के हिसाब से है, इसका स्टार्टिंग प्राइस हमारा 85,000 से स्टार्ट है इसका। अच्छा। 85 से लेके आप जैसी बैटरी इसमें लगाते रहेंगे, आपको जितनी रेंज चाहिए उस हिसाब से इसका रेट बढ़ता जाएगा। आप जेल बैटरी लगवा सकते हैं, 48 वोल्ट में लगवा सकते हैं, 60 में लगवा सकते हैं, और उसको AEH जो है इसके आपके जो जेल जो होती है 28 AH की होती है, आप इसको 40 AH तक, लिथियम आयन में 40 AH तक इसमें गाड़ी लगा सकते हैं बैटरी। ठीक है। मतलब कि आपको अगर लॉन्ग रूट पर जाना हो तो डबल बैटरी भी लगवा सकते, डबल बैटरी लग सकती है इसके अंदर, जगह है डबल बैटरी लग सकती है इसके, तो उसके हिसाब से आपके पैसे इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ, पैसे इंक्रीज हो सकते, पैसे बढ़ जाएंगे आपके, बिल्कुल। पर आपको बता दूं ये है थ्री व्हील में, है थ्री व्हील में, बिल्कुल। आज जो हम गाड़ी इतनी दिखा रहे हैं सारे वो थ्री व्हील में ही दिखा रहे हैं, ये थ्री व्हील स्पेशल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको दिखा रहे हैं, बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके बच्चों तक के भी है यहाँ पे। आप देखें यहाँ पे बच्चों के लिए भी स्पेशली है, बड़े भी चला सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है बच्चों को, लेकिन कैपेसिटी इनकी जो है, चाहे छोटी गाड़ी लग रही है, कैपेसिटी इनकी 150 किलो से 200 किलो तक की कैपेसिटी है, चाहे गाड़ी छोटी है, ये उनके लिए है जो गाड़ी मान लो फोल्डेबल है, ये गाड़ी भी फोल्ड हो जाएगी, आप उस गाड़ी को कार में रख सकते हैं, कहीं हिल स्टेशन में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं वो अपना आपने इंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, मतलब वो फ्री हैं, उनको ये दिक्कत नहीं है बिल्कुल उनको कि मुझे किसी का सहारा लेना है, वो फ्री है बिल्कुल, जहाँ मर्जी गाड़ी चले। आप इसको हैंडीकैप भी नहीं कह सकते इसको आप। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो है आप साइज के हिसाब से है, वेट कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो ये फोल्डेबल है बिल्कुल, फोल्डेबल बाइक है। किस प्राइस में आएगा इसकी बात करें तो? इसका प्राइस 65,000 स्टार्टिंग है, इसका 65,000 से स्टार्टिंग बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी। ठीक है। अगर इसकी पीछे वाले की बात करें, ये जैसे इसकी बात करें, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है, इसकी रेंज ज्यादा है, इसकी आप 40 से 60 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हो। अच्छा। बैटरी बड़ी है, इसकी रेंज है 75,000 से स्टार्टिंग है हमारी, 75,000 से। ओके। बाकी कैपेसिटी इसकी 200 किलो तक वजन है, आप 200 किलो वजन इस पे लेके जा सकते हैं, बहुत हैवी मोटर है। एक बार फोकस कराता हूं मैं आपको, एक बार देखिए इसमें मोटर है, वो जितनी मोटर कॉम्पैक्ट होती रहेगी उतना उसका प्राइस बढ़ता रहेगा, क्यों? कॉम्पैक्ट में हमें पावर निकालनी है, छोटी मोटर में हमें पावर निकालनी है, तो उसका रेट बढ़ता रहता है रेट उसका। ठीक है। यानी कि
अब ये है इसमें आप यानी ये बिल्कुल वाटर प्रूफ मोटर है, वही वाटर मोटर है, मोटर सारी लगभग वाटर प्रूफ ही होती है हमारी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डबल मोटर है, आप इसको किस कहीं भी कीचड़ में फंस जाए गाड़ी, कहीं भी हिल पे, यानी 15 से 20 डिग्री हिल पे भी आराम से गाड़ी। कितने एज के बंदे चला सकते हैं इसे? आप कोई भी चला, बच्चे से लेकर बड़े तक कोई चला सकता, कोई भी चला सकता, कोई जो उसको गाड़ी को संभाल सकता है चला लेगा। एक घंटे में आप इसमें ट्रेंड हो सकते हैं। बैटरी रिमूवल है बैटरी इसकी, आप रिमूव कर सकते हैं बैटरी इसकी, इसको फोल्ड कर सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं इसके अंदर। सबसे बैटरी रिमूवल लिथियम आयन बैटरी है इसके अंदर, रिमूवल बैटरी। ये किस प्राइस में है? इसकी अप्रोक्सीमेट प्राइस का 95,000 के आसपास, 95,000 में है। ओके, अब ये पीछे साइज इंक्रीज होता जा रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखिए, ये देखिए इसका प्राइस क्या, एक बार जो इसका प्राइस है आपका 95,000 स्टार्टिंग है, इसकी 95,000 स्टार्टिंग है। ये भी 95,000 से, ये भी थ्री व्हील है, ये सारे के सारे थ्री व्हील में है, थ्री व्हील है 95,000। और क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी कैसी है इसकी? ये क्वालिटी थोड़ी मजबूत लाए हैं, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है, इंडियन रोड के हिसाब से हम उसको इसका जो R&D करके इंडियन रोड के हिसाब से गाड़ी को बनाया। तीन जने से बैठ सकते हैं, एक सीट इसके नीचे भी लगी है, आप इसमें सीट, ये भी सीट लग जाएगी, आप इसमें सीट हुई इसमें बैठ सकते हैं। ये बैक स्पोर्ट भी देख रहे हैं, बैक स्पोर्ट भी आपको मजबूत है, सीट मजबूत है। मोटर कंट्रोल पीछे आप देखें तो थ्री व्हील में है, पीछे भी कैरी करने के लिए, अगर आपको पीछे दिखाऊंगा तो पीछे भी आप देखें अच्छी बैग कुछ भी रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किस प्राइस, 95,000 बताया आपने स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है प्राइस, जैसे बैटरी बढ़ेगी। और आपको मैं बता दूं, ये डिपेंड करता है आप बैटरी कौन सी ले रहे हैं और कितने किलोमीटर आपको चलानी है, कितने किलोमीटर चलानी है, वो आपके डिपेंड करता है। स्टार्टिंग जो है आपकी वो 95,000 से। अब ये देखिए, अब ये डिफरेंस है थोड़ा, ये है डिफरेंस इसमें, थोड़ी चौड़ी वाइड गाड़ी है, किसी हाई बंदे के लिए, किसी को ज्यादा कंफर्टेबल सीट चाहिए, ये उसके लिए है। यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं इसको, पास से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ से ये लॉक कर सकते हैं आप इसको, गाड़ी आपकी कहीं भी लॉक हो जाएगी। ये स्टैंड की इसको कोई जरूरत नहीं है, टोकरी लगी है, LED लाइट अच्छी है, डिस्प्ले इसका अच्छा दे रखा है, डिस्प्ले इसका थोड़ा एडवांस डिस्प्ले दे रखा है, अच्छा डिस्प्ले दे रखा है। ओवरऑल अगर फीचर्स, इनमें फीचर्स जो बेसिक होते हैं अपने क्या क्या मिल जाते हैं? हर चीज़ फीचर इसमें, हर चीज़ आपको इसमें। सेंटर लॉकिंग है वो तो हाई सेंसिटिव सेंटर लॉकिंग दी है इसमें आपको, हमने आपको कि गाड़ी कोई भी इसको हाथ लगाएगा इसमें एकदम शोर मचाना शुरू कर देगी। आप बट इसको ऑफ कर दें, गाड़ी बिल्कुल आगे आपकी नहीं जाएगी, बिल्कुल गाड़ी एमआई, और सीट आपकी आगे हो जाएगी, पीछे टोकरी है, आप संभाल। ये जो सीट देख रहे हैं ना आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सीट है वो एडजस्टेबल होती है, ये देखिए आप इसमें कर सकते हैं इसमें, और सीट आगे आपकी आ जाएगी, सीट आपके, ये सीट है, ये भी फोल्ड सीट हो जाएगी आपकी। अच्छा, अच्छा। इसमें फोल्ड कर, आपको जितनी जगह चाहिए आप इसको कोई चाहें तो आप इसको, अच्छा ये आगे है, ये देखो आप ऐसे आगे कर सकते हो सीट को ना, आप आगे कर ऐसे आगे कर सकते हो बिल्कुल, और पीछे आप सामान रखते हो, कोई पैर भी कैरी करने के लिए, अटैची बैग सब कुछ रखने के लिए है आपके पास, आप सामान रखते हो इसमें आराम से। साइड डिटेल आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में साइड डिटेल देंगे इसकी, हम ये जब हम इस पे सिंगल वीडियो बनाएंगे तो प्रॉपर आपको दिखाएंगे कैसे फोल्ड करते हैं, कैसे क्या क्या बैटरी लगी है, क्या क्या बैटरी, क्या स्पीड है इसमें, आपको ओवरऑल लंबी ज्यादा वीडियो ना, इसलिए मैं ओवरऑल बता रहे हैं। इसमें जैसे 12 इंच टायर है, इसमें 10 इंच टायर है। अच्छा, इसमें 12 इंच टायर, इसमें 10 इंच टायर है, इसमें 8 इंच टायर है, तो थोड़े से डिफरेंस है इन सारे कुछ ना कुछ, बिल्कुल टायरों का थोड़ी गाड़ी वाइड है। स्टार्टिंग की बताया आपने, इसका प्राइस 95 से स्टार्ट हो जाएगा, इसका भी 95, ठीक है। इसकी अगर बात करें क्या डिफरेंस है, इसका प्राइस, इसमें थोड़ा टायर इसके 8 इंच के टायर है इसमें, ठीक है, और थोड़ी वाइड गाड़ी दी है, थोड़ी और हैवी गाड़ी दी है, सेम वही फंक्शन है इसमें, लगभग सेम सा लग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बैक स्पोर्ट पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे सीट में भी थोड़ी सी वाइड है, आप देखोगे ना इस वाली की जो सीट है वो थोड़ी वाइड है, पीछे बैक स्पोर्ट भी है, थोड़ा सा है वाइड है, थोड़ा चेंज करा हमने। प्राइस इसका भी सेम 95,000 से ही है, इसका 1,05,000 स्टार्ट है। अच्छा, 1,05,000 से है, थोड़ी गाड़ी थोड़ी और ज्यादा कॉस्टली, थोड़ा इसमें डिफरेंस किया, थोड़ा मोटर में थोड़ा डिफरेंस किया हमने, जैसे कि है। अब ये स्कूटर में जो हमारे पास थ्री व्हील में है, काफी डिमांड आती थी एक बार स्कूटर में थ्री व्हील के लिए, वैसे तो थ्री व्हील के लिए काफी डिमांड है, काफी कमेंट भी आए हैं, तो आज स्पेशली थ्री व्हील के लिए लेके आए आपके लिए। इसका क्या प्राइस है अगर बात करें? इसका प्राइस देखो सारा वो बैटरी डिपेंड करता है, 85,000 से ये हमारी स्टार्ट है, 85,000 से। ओके, 85-95 वाली आपकी जरूरत है, आपने कितने रेंज चलानी, कितने किलोमीटर चलाना है, उस हिसाब से अपनी बैटरी अपने हिसाब से बना सकते हैं आप, चाहे आप जेल बैटरी यूज करें, लेड एसिड या लिथियम फॉस्फेट करें, हाँ, उसमें वो आप पे डिपेंड करता है, यूज कर सकते हैं। स्पीड इन सबकी कितनी है वैसे? अगर स्पीड लिमिट में जैसे कि किसी की 25 की है, किसी 30 है, 35, 40, इस तरह अलग अलग स्पीड है। कहने का मतलब 25 से 40 की अप्रोक्सली स्पीड है, लो स्पीड में, लो स्पीड में आइए, हम एक स्पीड बंद कर देंगे, आपको जितनी स्पीड चाहिए होगी हम उसी स्पीड पे इसको एडजस्ट करके आपको गाड़ी दे देंगे। और रेंज की बात करें इन सबकी, ओवरऑल अगर रेंज अप्रोक्सीमेटली सबकी अलग अलग रेंज है, मिनिमम रेंज उनकी 50 से 60 किलोमीटर है, 50 से 60 है, 50-60 चलेगी, 50-60 चलेगी, 50-60, बाकी आपको चाहिए जैसी की रेंज चाहेंगे वैसी रेंज आपको बन जाएगी आपकी। तो रेंज अगर आपकी चाहिए, अगर 200 किलोमीटर भी किसी को चाहिए तो वो भी 200 चलनी थोड़ी मुश्किल है, बैटरी 140 के आसपास चल जाएगी, 150 के आसपास आपकी रेंज हो सकती है। देखो कोई भी, मेरे मुझे लगता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी
कोई क्या मैं 200 किलोमीटर चला 250 किलोमीटर, हमने बड़ी कोशिश करी है 200-250 में कामयाब नहीं होता, क्योंकि क्या रहेगा हमें मोटर डबल देनी, उसमें क्या बैटरी डबल देनी पड़ती है, कंट्रोलर पे जोर पड़ता है, गाड़ी में आग लगने के चांस होते हैं। एक कंट्रोलर की सेटिंग होती है कि आप कितने एएच तक उस कंट्रोलर को सेट कर सकते हैं। अब आपकी बैटरी है, कंट्रोलर आपका 20 एएच का या 30 एएच का, आपने 40 एएच की बैटरी लगा दी तो उसमें कंट्रोलर हीट हो सकता है और गाड़ी में भी आग लगने के चांस हो जाते हैं। इससे कोशिश हम ये करते हैं कि डबल बैटरी देते हैं ताकि कंट्रोलर पर भी लोड ना पड़े, गाड़ी हीट ना हो, गाड़ी तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फैसिलिटी की बात करें, किसी को पसंद आती है तो लोन फैसिलिटी या सिर्फ दिल्ली वालों का, दिल्ली वालों का लोन हो सकता है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने बैंक का एटीएम कार्ड और एक आपको पासबुक या चेकबुक लेके आनी, चेकबुक लेके आनी आपको। तो आपके अगर आपका सिविल ओके है तो दिल्ली और एनसीआर वालों का लोन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक से हो जाएगा, ICICI बैंक से हो जाएगा, बजाज फाइनेंस से हो जाएगा, IDFC बैंक से हो जाएगा। और एक साथ अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में व्हीकल ले तो उसके लिए कोई डिस्काउंट? हाँ बिल्कुल, जो अगर क्वांटिटी लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा आपको। मिनिमम आपको जो मार्जिन मिलेगा आपको अगर सारा जो डीलर होंगे 10% मिनिमम मार्जिन है हमारे पास। अच्छा, डीलर में, डीलर तो वो अलग से आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर कोई घर बैठे मंगवाना चाहता है उसके लिए कैसे? हमारे अकाउंट में पेमेंट डालिए, लेकिन पहले हमारे व्हाट्सएप अकाउंट नंबर कन्फर्म करके, जब हम कन्फर्म करें उसके बाद ही पेमेंट डालिए। आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, हमारे नाम से कई लोग पैसा ले लेते हैं अपने अकाउंट में लेते हैं। तो जब तक हमारे इसी नंबर, जो हम नंबर जो स्क्रीन पे नंबर है या डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पे जाके उसी नंबर पे वीडियो कॉल करके भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वीडियो कॉल करके देख सकते हो आप, देख सकते हो सारा अपना ऑर्डर उस पर देख सकते हो। उसके बाद हम आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे, आप तभी उसमें पैसे अपने जमा कराएंगे। उसके बाद जितनी अभी पेमेंट आ जाएगी उसके 2 दिन के बाद हम व्हीकल यहाँ से डिस्पैच कर देंगे, और जो खर्चा हुआ डिस्पैच का वो खर्चा सब आपको देना पड़ेगा। चलिए, तो भाई ये सारी चीज़ें थी, और आपको थ्री व्हील में आज मोस्टली जितनी भी स्कूटर्स दिखाए आपको थ्री व्हील में दिखाए हैं, चाहे वो बच्चे भी चला सकते हैं, चाहे वो बुजुर्ग भी चला सकते हैं, महिला भी चला सकते हैं, लेडीज़ जो भी है सभी के लिए स्पेशली लेके आए हैं। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में ना हम सिंगल स्कूटर का जो है रिव्यू करेंगे, चला कर दिखा देंगे आपको प्रॉपर क्या डिटेल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियो टाइम पर मिल सके।